this video we will start a new chapter from class 10+2 unit 1st chapter 2, that is sexual reproduction in flowering plant. In this video we will discuss about first of all the sexual reproduction consisting of the pre-fertilization events, means the preparation of the gametes. And first we are taking here the male reproductive organ, that is the androecium, or we can say stamen. So let me start. First is the male reproductive organ. And if we talk about this male reproductive organ, then what are the basic features of this male reproductive organ? The male reproductive organ is commonly known as androecium, and this androecium consists of many units which are named as the stamen. And this stamen is consists of the two different parts. If we draw the diagram of the stamen, then we can show that a long stalk like structure is there, which is named as the filament, and above it there is a lobe like structure, swollen area, and which is swollen and consists of the spores in it. This is named as the anther. Below it there is present, means फिलामेंट का जो टॉप पार्ट है और एंथर लोब जहां अटैच होती है, दैट कंसिस्ट ऑफ अ टिश्यू विच इज नेम्ड एज द कनेक्टिव टिश्यू. दीज आर द सर्टेन पार्ट्स ऑफ द स्टेमन. स्टेमन के डिफरेंट पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ अ फिलामेंट. व्हाट इज फिलामेंट? इट इज लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर. स्टॉक like structure. If we talk about the anther, then this anther is the swollen area, swollen, consists of the spores in it. When we take an example of the anther, then many conditions are there in anther. As this anther here, we are seeing here the two different lobes of the anther, means anther में यहां हमें दो lobes दिखाई दे रही है, तो हम यहां लिख सकते हैं it has two lobes. और अगर ऐसी condition है किसी stamen में two lobes यहां पर present है, that condition is named as the bilobed. And each lobe consists of two thecas. Each lobe consists of two थीका. टू स्पोरेंजियास वहां प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उस कंडीशन को हम यहाँ डाई थीकस कहते हैं. तो अगर ओवरऑल हम एक डायग्राम ड्रॉ करें टू शो द स्टेमन, देन व्हाट वी कैन सी इन द डायग्राम, देयर इज प्रेजेंट द स्ट्रक्चर लाइक दिस. This is the structure of the TS section of the anther lobe, and here is present the four sacs. If we split this from here, then what we can see, there are the two spores sacs are there, which are known as the pollen sacs. तो यहाँ पर एक लोब ये इस साइड है और एक इस साइड है, तो टोटल टू लोब्स हैं. और टू लोब्स कंडीशन को यह नाम दिया बाइलोब्ड कंडीशन. उसके बाद बात कर रहे हैं कि एक लोब में दो थीकास हैं. दिस इज द वन लोब्स एंड इन दिस वन लोब टू थीकास आर देयर, सो दिस कंडीशन इज नोन एज द डाइथीकस. और अगर टिपिकल एंथर की बात करें, टिपिकल एंथर कंसिस्ट ऑफ टेट्रास्पोरेंजिएट कंडीशन. टेट्रास्पोरेंजिएट मीन्स अगर हम इस कंप्लीट एंथर को कंसीडर करते हैं, तो इस कंप्लीट एंथर में यहां पर फोर स्पोरेंजिया है, वन टू थ्री एंड फोर. सो दिस टिपिकल एंथर स्ट्रक्चर
having the tetrasporangiate condition. This is about the antherlobe. There are different examples. For example, Capsella and Brassica family, Brassicaceae. This is the name of the family. In दोनों के अंदर डाइथिकस tetrasporangiate condition of the anther is present. Means डाइथिकस बिल्कुल इसी तरीके का स्ट्रक्चर कैप्सेला एग्जाम्पल है और ब्रैसिकेसी फैमिली मीन्स मस्टर्ड फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी में ये दोनों कंडीशंस प्रेजेंट होती हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आता है मालवेसी फैमिली से, मालवेसी टू विच द लेडी फिंगर बिलोंग्स। तो मालवेसी फैमिली में मोनोथिकस कंडीशन होती है, मोनोथिकस कंडीशन एंड बाईस्पोरेंजिएट मीन्स वी कैन से कि यहाँ जैसे हमने ये दो टू स्प्लिट्स बनाए हैं तो उसके अंदर ये एक स्प्लिट सपोज दैट नहीं है तो यहाँ पर एक ही लोब प्रेजेंट होगी इसलिए उसे यहाँ पर मोनोथिकस कहा गया है और उस एक लोब में ओनली टू स्पोरेंजियाज आर देयर सो इट इज नोन एज द बाईस्पोरेंजिएट कंडीशन। वन इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू इन इट, इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है। इसके बाद कहता है कि जब कोई भी एंथर लोब मेच्योर हो जाती है तो यहां ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दिस वन, यहां पर ये जो स्ट्रक्चर होता है इस ग्रूव को हम यहां नाम देते हैं स्टोमियम। ये इसे हम लाइन ऑफ डहिसेंस भी कहते हैं जहां से पोलन ग्रेन जो है वो बाहर आएंगे, लेकिन यहाँ जब दोनों सभी जो पोलन सैक्स हैं वो पोलन्स को प्रॉपरली प्रिपेयर कर लेंगे तो उनकी जो वॉल है एट मैच्योरिटी इट विल डिसोल्व और डिजेनरेट हो जाती है और इनसे निकले हुए पोलन सभी इकट्ठे होकर इस पूरी कैविटी के अंदर आ जाते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एट मैच्योरिटी द वॉल ऑफ थीका ऑफ स्पोरेंजिया वी कैन से स्पोरेंजिया डीजनरेट एंड द ऑल पोलन्स रिलीज इन कैविटी ऑफ एंथर की कैविटी में सभी पोलन्स रिलीज हो जाते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द स्ट्रक्चर मींस किस तरह से ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये प्रेजेंट होता है और इसमें कौन कौन से टिश्यू सिस्टम्स प्रेजेंट है।